आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में छोटे दल इकट्ठे होकर अब बड़े पार्टियों की राजनीतिक गणित को बिगाड़ने के लिए और अपने गणित को बनाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ही छोटे दल हैं जो अपना वर्चस्व अपने अलग अलग क्षेत्रों में रखते हैं। कई दल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में नए नए आ रहे हैं और कई दल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और छोटे हैं, मगर पुराने इसी तरह के कई सारे दल मिलकर अब उत्तर प्रदेश के गणित को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चार प्रमुख पार्टियां सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस, इन बड़ी पार्टियों के गणित को बिगाड़ने के लिए ये छोटे दल अलग अलग तरह की तैयारी करने में लगे हैं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के छोटे दलों की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी जैसी कुछ और पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पहुंच और हैसियत रखती हैं। अब ये सभी पार्टियां इकट्ठा होकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रही हैं। इस संकल्प मोर्चा के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी युवा पार्टियां आपको देखने को मिलेंगी, जो छोटी तो हैं लेकिन अपने इलाकों में बखूबी वर्चस्व रखती हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इन छोटी पार्टियों की अपने वोटर तक काफी मजबूत पकड़ है। फिलहाल इस संकल्प मोर्चा का नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, जो कि अलग अलग पार्टियों के प्रमुखों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये छोटी पार्टियां मिलकर किसी बड़ी पार्टी को मजबूती देंगी या फिर खुद अपना एक खेमा तैयार करके सरकार बनाने वाली पार्टी का गणित बिगाड़ देंगी, ठीक उसी तरह से जैसे कि बिहार में हुआ था। वहां पर अलग अलग निर्दलीय और छोटे दलों के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बना ली, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी वोट बैंक के साथ सामने आई वो अब विपक्ष में बैठी है। कुछ इसी तरह से क्या उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर होने वाली है कि ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के गणित को बर्बाद कर देंगी या फिर वाकई में एकजुट होकर के सरकार बनाएंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।